की रसोई से मैं आपका स्वागत है। पेड़े आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, मिल्क पाउडर से, पनीर से, सिर्फ दूध से। आज मैं जो आपको पेड़े सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल मिठाई भी है और लॉस्ट रेसिपी भी है, लोग इसको भूल चुके हैं। तो ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। ये किस चीज़ से बनेंगे ये आप वीडियो देख करके ही पता लगा पाएंगे। तो आइए मिठाई में हम पेड़ा बनाना सीखें। उसमें हम इस आटे का चोकर जो निकलता है गेहूं के आटे से, उससे बनाने वाले हैं। तो ये हमने 1/3 कप आटे का चोकर छान करके अच्छे से ले लिया है। 1 कप दही लिया है, 2 कप हमने फुल क्रीम दूध लिया है, 1 टेबल स्पून हम देसी घी लेंगे, 1/2 कप हम शक्कर लेंगे और 1/2 कप ही हम मावा लेंगे। अगर मावा नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं और हल्का मीठा पीला कलर यूज़ करेंगे। और खुशबू के लिए 1 जायफल और 3 इलायची का उपयोग करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल लेंगे और इस घी के साथ हम इस मावे को थोड़ी देर भून लेंगे, सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। मावा हमारे अच्छे से भुन गया है, सॉफ्ट हो गया मावा। अब इसमें हम हमारे चोकर जो है उसको डाल देंगे और इसी में हम दूध डाल देंगे। दूध को अच्छे से मिला लेंगे, दूध और दही दोनों एक साथ डाल देंगे। इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और इसको एक क्रीमी सब पेस्ट बनने देंगे। आंच को हम अभी तेज़ ही रखेंगे एक बार, जब तक ये सब मिल ना जाए तब तक। इसमें हल्का सा उबाला आने लग गया है हमारे। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे, शक्कर डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा कंटिन्यू चलाएंगे, हल्का सा उबाल आएगा तब हम इसको छोड़ेंगे और अब मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे हम। इसको हम अच्छे से हिला के कंटिन्यूसली पका रहे हैं क्योंकि दही है अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद फटने का डर नहीं। ये क्रेकल्स आ रहे हैं, ये अच्छे लगेंगे हमें मिठाई में। अब 1 से 2 बूंद ये ऐच्छिक रूप से डालें, आप ऑप्शनल है, कलर डालना चाहें तो डालें। मैं मीठा पीला कलर डाल रही हूँ हल्का सा और इसको मीडियम आंच पर गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। मिश्रण हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अब मीडियम आंच पे हम इसको और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तब तक हम इलायची और हमारा जायफल कूट करके तैयार कर लेते हैं। हमारा ये मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है ये। अब इससे ज़्यादा हमको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब हम ठंडा करेंगे इसको तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसमें हम इलायची और जायफल का जो चूर्ण हमने बनाया था, जायफल का चूर्ण 1/4 टीस्पून जितना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल होती है उसमें, बहुत तेज़ खुशबू होती है। अगर आप चाहें इसमें केसर मिलाना चाहें तो केसर भी मिला सकते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसको प्लेट में लेकर के ठंडा करेंगे। अपने मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है, प्लेट में हल्का सा घी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं, और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच से घुमा करके ठंडा करेंगे। इसका ठंडा होना पूरी तरीके से बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके पेड़े बना पाएंगे। तो इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर लें, और अगर आप इसमें चाहें तो काजू बादाम पिस्ता जो भी आप कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। जैसे हमने इसको गोल कर दिया या चौकोर कर दिया, जैसे मैंने इसको गोल ही कर दिया
तो इसमें या तो आप टूथपिक से या चाकू से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, इस तरीके से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और बता रही हूँ मैं आपको, कि जैसे ये ले लिया हमने मिश्रण और इसका हमने गोल सा बना लिया पेड़ा। अब इस पेड़े को रखा, और जो घर में कांच की कटोरियाँ वगैरह होती है उसके नीचे इस तरीके की डिज़ाइन होती है, कोई भी उभरमा डिज़ाइन हो सकती है, जैसे लाइनिंग वाली। वैसे पेड़े की डिज़ाइन बनाने के लिए बाजार में सांचे होते हैं, पर हर घर में नहीं होते हैं। हमें अगर डेकोरेट करना है पेड़े को तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि इसमें जैसे गहरी डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन से हम इस पेड़े को प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आप इस पर डिज़ाइन उभर के आ गई ये। अब जितनी गहरी डिज़ाइन होगी उतना अच्छा आपके इसमें डिज़ाइन उभर के आएगी। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से डाल सकते हैं। एक डिज़ाइन आप ये वाली भी बना सकते हैं, कलश वाली, या नाशपाती के संतरे की जैसी डिज़ाइन है ये। इसको कैसे करना है कि छोटा सा टुकड़ा हमने जैसे लिया और इसको अच्छे से कर लिया और इसको थोड़ा सा ओवल शेप में किया, जैसे हम मोदक के लिए करते हैं, इस तरीके से नीचे से मोटा कर लिया और ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से करा, ये शेप बन गया। इसके अंदर हम पिस्ता, काजू, बादाम या कोई भी इस तरीके की चीज़ को फंसा देंगे, ताकि ये कलश का डिज़ाइन हो जाएगी। अब इसके नीचे हम चाकू से इस तरीके से हल्के से निशान बना देंगे, तो ये डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम अपने ये पेड़े बना करके इस तरीके के पेपर कप में रख सकते हैं, ताकि ये बहुत दिन तक हम इनको सर्व कर सकते हैं इसमें रख करके। हमने सारे अपने पेड़े बना लिए हैं और इसके काजू के टुकड़ों से हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो पिस्ता से करें, चाहें तो चांदी वर्क से भी आप गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे हमारे पेड़े बने हैं, ये देखिए। हमारे पेड़े की मिठाई बनकर के तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, मुंह में जाकर के घुल रही है, दानेदार है। क्योंकि मिठाई हम इस तरीके से घर पर कभी भी बनाते तो देखते हैं कि दांतों में चिपकती है, लेकिन ये बिल्कुल दांतों में नहीं चिपक रही है और बहुत ही अच्छी बनी है। और आप मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन आप इसमें डालें, अपनी क्रिएटिविटी आप इसमें दिखा सकते हैं, और बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरीके की मिठाई आप सुंदर सुंदर डिज़ाइन डाल करके घर पे ही बनाएं, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आप बना करके एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।